आज जो फर्टिलाइजर बताऊंगी उसको आप रूटिंग हार्मोन के लिए डाल सकते हैं, पौधे में न्यू ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए डाल सकते हैं, या फूल और कलियां नहीं आ रही हैं उनके लिए भी डाल सकते हैं। तीनों चीजें हैं, तीनों चीजों में आप जो है इक्वल इक्वल मतलब कि अलग अलग तरीके से भी इन फर्टिलाइजर को डाल सकते हैं। ग्रोथ के लिए एक फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, और जो है अगर आपके यहाँ रूट नहीं बन रही है कटिंग से लगे हुए पौधे में, तो उसके लिए भी आप अलग से रूटिंग हार्मोन वाला ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो मैं बता रही हूँ वो डाल सकते हैं। या आपको जो है पौधे में फ्लावरिंग चाहिए तो पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर भी मैंने बताया है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तीनों ही फर्टिलाइजर को एक साथ मिक्स करके डाला है। जिन लोगों की ये समस्या होती है कि हमारे पौधे जो हम कटिंग से लगाते हैं उनमें ग्रोथ होती है, न्यू पत्तियां आती हैं, लेकिन जो है जैसे ही थोड़ा सा पौधा मतलब कटिंग रेडी होती है उसके बाद में कटिंग मर जाती है। आज मैं बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन और फर्टिलाइजर दोनों ही बताऊंगी, जिससे कि आपके पौधे जो आपने कटिंग से लगाए हैं उनकी जड़ें भी बहुत मजबूत रहेंगी, अगर कटिंग से तैयार हो चुके हैं तो उनमें न्यू ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और कलियां भी बहुत अच्छे से आएंगी, जिससे कि फ्लावर ब्लूम होंगे। तो ये जो फर्टिलाइजर है ये तीन चीजों का काम करेगा, एक तो रूटिंग हार्मोन का काम करेगा, पौधों की ग्रोथ बढ़ाएगा, जो कि पौधों की रुकी हुई ग्रोथ है उनकी बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, और तीसरा जो है अगर कलियां नहीं बन रही हैं, फ्लावर ब्लूम नहीं हो रहे हैं तो बहुत अच्छे से ब्लूम होंगे। ये प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसमें भी आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा, बहुत आसानी से आप इसको एक दिन के अंदर बनाकर अपने पौधे में यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से आज आपके साथ में जो फर्टिलाइजर शेयर करूंगी वो आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में उसका यूज कर सकते हैं, या आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फ्लावर ब्लूम नहीं हो रहे हैं, या कटिंग से लगे हुए प्लांट है उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो बहुत अच्छे से ये सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं फर्टिलाइजर को बनाना किस तरीके से है। फ्रेंड, जैसे कि ये कटिंग से लगे हुए कलांचो के प्लांट है, मैं आज जिन जिन प्लांट पर ये फर्टिलाइजर दूंगी उन्हीं सब में दिखाऊंगी। ये कटिंग से लगे हुए कलांचो के प्लांट है, कलांचो के प्लांट कटिंग से लगाना बहुत आसान भी होता है, और जहाँ नहीं लग पाते हैं, जिससे नहीं लग पाते उनके लिए बड़ा टफ होता है। आप सैंड और सॉइल में लगा लीजिए, लग जाएंगे। दूसरी बात, अगर इनकी ग्रोथ हो रही है, जैसे कि ये कटिंग से लग चुके हैं अब इनमें न्यू ग्रोथ आ रही है, अगर ये ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ हो ही नहीं रही है, कटिंग आपकी लग चुकी है या कटिंग लगी नहीं है, उनकी जो है रूट्स नहीं बन रही हैं, तो आपको कौन सा फर्टिलाइजर देना है जिससे कि आपके पौधे की रूट बहुत अच्छे से बन जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं जरबेरा, ये डिवाइड करके लगाया हुआ है, इसका मदर प्लांट पॉट में लगा हुआ है, तो इस तरीके से मैं डिवाइड मेथड से बहुत सारे प्लांट ऐसे ही कई सारे प्लांट बना लेती हूँ। अब ये छोटे छोटे डिवाइड करके प्लांट लगाए हैं, तो अब इन्हें अगर ग्रोथ चाहिए तो हमको फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। ग्रोथ के साथ साथ इनकी अगर न्यू ग्रोथ होगी, न्यू ग्रोथ तभी होगी जब इनमें हम इनकी जड़ों को मजबूत करेंगे। पौधों की जड़ों को मजबूत करने के लिए हमको फर्टिलाइजर देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रूटिंग हार्मोन। रूटिंग हार्मोन ऑर्गेनिक तरीके से देने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे तो केमिकली मतलब कि आप लेकर आएंगे नर्सरी से या किसी भी फर्टिलाइजर शॉप से तो आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से रूटिंग हार्मोन, लेकिन अगर हमको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है और हमको रूटिंग हार्मोन की जरूरत है तो हम घर पर उसका यूज किस तरीके से करेंगे वो भी आज आपको दिखाऊंगी। जैसे ही पौधे की जड़ मजबूत हो जाएंगी तो उसकी स्टेम में भी आ जाएगी, क्योंकि पौधों की जड़ मजबूत होंगी तभी पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। तो जब हम इसमें रूटिंग हार्मोन डाल देंगे, ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन, तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगा। जब ग्रो करने लगेगा तो हमको न्यू ग्रोथ के लिए, उसकी मतलब की बढ़वार के लिए हमको फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, और जिस तरीके से पौधा बढ़ने लगेगा, जैसे कि न्यू न्यू लीफ आप देख रहे हैं इसमें आ रही है, जब न्यू लीफ आने लगेंगी तो हमको पौधे पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पौधे में फ्लावरिंग और कलियां किस तरीके से बने। तो इन तीनों चीजों की पूर्ति आज मैं एक ही फर्टिलाइजर से करूंगी, ऑर्गेनिक पे में करूंगी, जिससे कि आपके पौधे में आपको बार बार कोई भी फर्टिलाइजर ना डालना पड़े। आप जो है बदल बदल कर भी फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, पहले आप रूटिंग हार्मोन डालें, उसके बाद में जैसे ही आपके पौधे की जड़ें मजबूत होंगी आपको साइन दिख जाएंगे, पौधा हेल्दी सा दिखने लगेगा, उसके बाद में आप जो है ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर दे सकते हैं, और तीसरी बार में जब ग्रोथ होने लगे, पौधा अच्छे से आपको ग्रोथ करने लगे, तो आप जो है उसमें फूलों और कलियों के लिए फर्टिलाइजर दें। मेरे पौधे में आप देख सकते हैं तीनों ही कंडीशन है, ग्रोथ भी हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू ग्रोथ भी आने लगी है। और फ्रेंड्स, न्यू ग्रोथ तभी आती है जब उसकी रूट मजबूत हो जाती है, जब स्टेम मजबूत रहती है तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगता है, और जब ग्रोथ हो जाती है तो हमको जो है फर्टिलाइजर देना रहता है फ्लावरिंग के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कटिंग से लगे हुए प्लांट, छोटे छोटे पॉट में लगे हुए प्लांट भी इस तरीके से ब्लूम करें जैसे कि मेरे कर रहे हैं, ये सब कटिंग से लगे हुए ही प्लांट हैं, न्यू कलर हैं जो मैंने अपने गार्डन में ऐड किए हैं कटिंग से लगाकर, तो इनमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगी, लेकिन अब मैं इनमें फर्टिलाइजर दूंगी जिससे कि इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो, प्लांट भी बूसी हो जाए
और पौधा भी हेल्दी हो जाए। फ्रेंड्स, ये कंटेनर में रखा हुआ आपको लिक्विड जो दिखाई दे रहा है, इसी फर्टिलाइजर को हम देंगे अपने पौधे में, बहुत आसानी से हमारा पौधा ग्रोथ भी करेगा और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। ये प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो अभी सभी को पता है कि गर्मियां आ गई हैं और गर्मियां बहुत तेज होने लगी, 9-10 बजे तक बहुत ज्यादा धूप होने लगी है। तो हम जितना ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देंगे अपने पौधे को, पौधा हमारा उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगा, क्योंकि जड़ों को ठंडक मिलेगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यही मतलब है कि जैसे ही गर्मियां आ जाती हैं तो पौधों को ठंडक चाहिए, तो आपको जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कर देंगे, चाहे पॉट में लगे हों, चाहे पॉली बैग में लगे हों, कैसे भी लगे हों, तो पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, उनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। फर्क इतना ही है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो रहते हैं वो एक बार में असर नहीं करते हैं, आपको 2 से 3 बार देना पड़ेगा। ये जो फर्टिलाइजर दिखा रही हूँ इसको भी आपको जो है 2 बार देना पड़ेगा 15-15 दिन के गैप पर, तो आपको जो है आपके पौधे में असर दिखाई देने लगेगा। इसको बनाया किस तरीके से वो बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बनाना नहीं बताऊंगी, मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है केले के छिलके, जिनको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। ये केले के छिलके हैं, इसमें एक केले का छिलका है जिनको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। केले का छिलका जो है वो आपके पौधे में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे कि आपके पौधे में पोटेशियम मिलेगा, तो पोटेशियम के कारण आपका पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और मात्रा में पोटेशियम होती है, तो इसको आप डालेंगे तो आपके पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सब कुछ है, ग्रोथ हो रही है, न्यू ग्रोथ आ रही है, रूट बहुत अच्छी मजबूत है, फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो आप केले के छिलके का यूज कर लीजिए, चाहे पाउडर फॉर्म में करिए, चाहे लिक्विड फॉर्म में, जिस तरीके से मैंने एक नाइट सोक करके रखा हुआ है। दूसरा जो है, दूसरा फर्टिलाइजर ये जो आप देख रहे हैं, ये है रूटिंग हार्मोन, ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन। नॉर्मली हम जितने भी गार्डनर्स रहते हैं, रूटिंग हार्मोन के लिए ऑर्गेनिक तरीके से इसी का यूज करते हैं। ये क्या चीज है, ये है एलोवेरा जेल, ये इस तरीके से, इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है, जिससे कि रात भर में अच्छे तरीके से इसका जेल हमारे फर्टिलाइजर में मिक्स हो जाएगा। और तीसरा जो फर्टिलाइजर है वो नीचे की साइड दबा हुआ है, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये ब्लैक कलर के जो दाने हैं, ये हैं चाय की पत्ती। ये चाय पत्ती नाइट्रोजन का बहुत ही भरपूर स्रोत होती है, जिससे कि आपके पौधे में चमक भी आती है, और दूसरी बात है ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। चाय पत्ती अगर आपको चाहिए कि आपके कोई भी इंडोर प्लांट है उनमें पत्तियां शाइनी चाहिए और जो है ग्रोथ बहुत तेज चाहिए, तो आप चाय पत्ती का यूज कीजिए। 1 चम्मच चाय पत्ती थी, 1 केले का छिलका था, और आधा जो है लीफ मैंने एलोवेरा जेल लिया, इतना लेकर मैंने रात को इसको पानी में डिप करके भिगो के रख दिया। भिगो के रखने के बाद ये जो है दूसरे दिन सुबह, आज मैं बना रही हूँ, तो ये जो है अभी इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। अभी गर्मी में एक नाइट ही बहुत ज्यादा है, 2 नाइट रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर इसमें जो है फंगस जैसा कुछ प्रॉब्लम होने लगेगा। अब मैं इसको निकाल लूंगी, आप चाहो तो छान भी सकते हो, मैं छान नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे तो पूरे ही प्लांट ही धूप में रहते हैं, मतलब कि ओपन टेरेस पे रहते हैं, चाहे कलांचो हो, कोई भी प्लांट हो, सभी अभी फिलहाल में सभी प्लांट मेरे धूप में ही हैं, तो मैं इस तरीके से निकाल ले रही हूँ। आप चाहो तो अगर आपके प्लांट में 3-4 घंटे की ही धूप लगती है, तो आप जो है इनको छान कर डाल सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे में फंगर की समस्या बिल्कुल ना हो। इस तरीके से निकला है लिक्विड, ये लिक्विड जो है हम अब इसको डाइल्यूट करेंगे। तरल खाद को मिलाने के लिए हमने पानी ले लिया है, पानी मैंने 5 गुना लिया है, मतलब कि ये जो मेरा कंटेनर है इससे 5 कंटेनर मैंने ये पानी लिया है, और ये पूरा भरा भी नहीं है, मतलब कि ये तो हाफ ही है फर्टिलाइजर, और इस फर्टिलाइजर को हम इसमें मिक्स कर देंगे। आपको मात्रा एकदम, आप चाहते हैं तो आप 1:10 का रेशियो भी रख सकते हैं, मैंने 1:5 का रेशियो रखा है, क्योंकि मेरा जो फर्टिलाइजर है पूरा कंटेनर फुल नहीं था इसलिए। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये फर्टिलाइजर आप अपने किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, चाहे इंडोर प्लांट में दें, लेकिन इंडोर प्लांट में आप उन्हीं प्लांट में दें जिनमें थोड़ी सी धूप लगती हो, जो प्रॉपर छाया में रहते हो उन पे फर्टिलाइजर नहीं देना है, स्पेशली सकुलेंट में ये फर्टिलाइजर नहीं देना है। तो मैं यही बोलूंगी कि सेफली आप जो है जिन प्लांट में आपको प्रॉपर धूप लगती है उन्हीं में इस फर्टिलाइजर का यूज करें। तो यहाँ पर मैंने ये प्लांट रखे हुए हैं, इन्हीं में आज मैं ये फर्टिलाइजर दूंगी, तो उतना ही फर्टिलाइजर देना है जितने की मिट्टी जो है अच्छे से गीली हो जाए, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर हमको नहीं देना है। पॉट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं देना है, प्लांट के अकॉर्डिंग हमको फर्टिलाइजर देना, हमारा प्लांट कितने तरीके कितना ग्रोथ किया है उसी हिसाब से हमको इसमें फर्टिलाइजर डालना है। तो आपके पौधे में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, या जो है रूट्स बहुत अच्छे से बन नहीं रही हैं, रूट्स तभी बनेंगी जबकि आप इसमें
रूटिंग हार्मोन डालेंगे, उसके पहले जो है पौधे में रूट्स नहीं बनेंगी। तो ये जो फर्टिलाइजर है रूटिंग हार्मोन का काम भी करेगा, ग्रोथ बूस्टर भी है और फ्लावरिंग बूस्टर भी है। तो अगर आपने नहीं बनाया ये फर्टिलाइजर, नहीं डाला है अपने पौधे में, तो एक बार यूज करके देखिए। मैं मंथली में एक बार जरूर ये फर्टिलाइजर अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में देती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।